गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुभव शर्मा और आज हम जा रहे हैं कावासाकी के शोरूम जो कि है छतरपुर में। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और मैं वहीं चल के आपको बताता हूं कि कौन सी बाइक हम देखने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सी बाइक हम देख चुके हैं लेकिन आज जो बाइक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो काफी खूबसूरत है और स्पेशल है अपने सेगमेंट में। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आपको मैं अपना इंस्टा आईडी बता देता हूं जो कि है क्लिक अनु 11। फाइनली गाइस, हम आ गए हैं कावासाकी के शोरूम पे और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की इन्वेंट्रीज। तो हमारे सामने जो पहली बाइक खड़ी है वो कावासाकी निंजा BS6 300 2022 मॉडल और यहाँ पे एक कैफे रेसर भी खड़ी है, एक निंजा 650 है और ये ब्लैक कलर की निंजा 300 है। और भी कई सारी बाइक है, एक ऑफ रोडर भी खड़ी है एडवेंचर टूरर। और सबसे खूबसूरत बाइक जो यहाँ पर खड़ी है वो है कावासाकी की लेगसी बाइक जो कि है ZX10R और ये उसकी सिग्नेचर कलर। सो गाइस, आज जिस बाइक की हम बात कर रहे हैं वो है कावासाकी निंजा BS6 300 2022। ये बेस्ट मशीन है अपने सेगमेंट में, तीन कलर में आती है, मैं आपको कलर के बाद में बताऊंगा और ये बेस्ट क्यों है ये भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्या है इस बाइक के फीचर्स, क्या है प्रोज एंड कॉन्स। तो बात करते हैं हम अगर की तो कावासाकी की के बड़ी सी इस पर लिखी है और कावासाकी की ब्रांडिंग है की पे। चलिए हम एक बार इसे ऑन करते हैं और आपको मैं इसकी मीटर कंसोल की बात करें तो स्पीडोमीटर डिजिटल है और जो RPM मीटर है वो आपको नॉर्मल मिलेगा पहले जैसा। बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक ट्रिप आपको प्रोवाइड होगी, क्लॉक प्रोवाइड होगी, बस यही है। और इसमें आपको माइलेज की इंडिकेटर नहीं मिलेगी। अगर हम स्विचेस की बात करें तो स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, न ज़्यादा बेटर न ज़्यादा ख़राब है, ठीक क्वालिटी है। अगर आप लीवर की बात करें तो नॉर्मल लीवर है, इसमें कॉस्ट कटिंग की गई है। अगर एडजस्टेबल लीवर दे देते तो काफ़ी अच्छा होता। अगर हम हेडलाइट्स की बात करें तो ऑल हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, आगे में डुअल हेलोजन हेडलैम्प्स के साथ आती है कावासाकी निंजा। अगर इंडिकेटर भी आपको इसमें बॉडी में ही बिल्ट इन मिलती है जो कि ऑल्सो हेलोजन सेटअप है। अगर इसकी हम ब्रेक्स की बात करें तो डुअल चैनल ABS के साथ आती है। टायर सेक्शन 110/17 R17 मिलती है और ये आप देख सकते हैं डुअल सिलेंडर जो इसकी USP है जो इसे खास बनाती है। सिंगल हॉर्न के साथ आती है कावासाकी निंजा। 300cc की फोल वर्ल्ड लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन इंजन के साथ आती है कावासाकी निंजा। 6-speed गियर बॉक्स के साथ आती है कावासाकी निंजा। और अगर हम इसकी टायर्स की बात करें तो 140/17 की रेयर टायर आती है जो कि MRF प्रोवाइड करती है, MRF जैफर। ग्राउंड क्लियरेंस 140 है गाड़ी का। अगर आप इसकी कर्व वेट की बात करें तो 179 kg की है। इसमें जो ये रॉड जो पीछे जो ग्रेवरील है वो मुझे काफ़ी ऑड लगी। अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी में आपको LED बैक लाइट के साथ फिर पीछे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स ही मिलेगा। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये 17 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आती है जो कि इसे अपने सेगमेंट में बेस्ट बनाती है। अगर हम फिट एंड फिनिश की बात करें तो फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है क्योंकि कावासाकी निंजा 300 काफ़ी टाइम से आ रही है। कावासाकी ने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की है इस बाइक में। लुक वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, सीट हाइट्स वगैरह सब कुछ अच्छा है। अगर आपका हाइट 5'4" से ऊपर है तो आप इसे आराम से चला सकते हैं। 3 कलर ऑप्शन में आती है ये। अगर आप इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 3,18,000 रुपये एक्स शोरूम BS6 2022 की। अगर हम तीनों कलर की बात करें तो लाइम ग्रीन, कैंडी लाइम ग्रीन एंड इबोनी कलर में आती है, इबोनी कलर जिसको ब्लैक कहते हैं। अगर आपको काफ़ी अग्रेसिव लुकिंग चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इबोनी कलर आप। और अगर आपको कावासाकी निंजा की लेक्सी कलर चाहिए तो आप लाइम ग्रीन के साथ जाएं जो कि इसकी लेक्सी कलर है और सेम सिमिलर है ZX10R की तरह। तो कुछ अगर प्रोज की बात करें तो इसमें आपको डबल सिलेंडर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, पावर बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं एक बार इसे स्टार्ट करता हूँ और साउंड आपको सुनाता हूँ।
बाकी अगर इसमें एडजस्टेबल क्लच और मीटर कंसोल को थोड़ा अपडेट कर दे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, यू कैन गो फॉर इट। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, और यहाँ पे एक और 900 खड़ी है, तो चलिए मैं आपको एक बार 900 को स्टार्ट करके आपको इसका साउंड नोट सुनाता हूँ। Yeah.